तो पापा के लिए तो लोगों ने बहुत कम लिखा है, और जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ तो शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो या कहीं लिखा देखा हो। ठीक है, एक इमोशनल स्टोरी पढ़ता हूँ मैं। हम लड़के पिता को गले से नहीं लगाते, हम लड़के पिता को गले से नहीं लगाते, हम लड़के पिता के गालों को नहीं चूमते, और ना ही हम पिता की गोद में सिर रख के सुकून से सोते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता एक मर्यादित होता है, एक सीमित होता है। अक्सर जब घर पे फ़ोन करता हूँ, माँ से बात होती है, पीछे से कुछ दबे दबे से शब्दों में दादी भी कुछ कहते हैं, सवाल पूछते हैं या फिर सलाह तो देते ही हैं। कुछ नहीं होता है जब कहने को तो खांसने की एक आवाज़ उनकी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कई बार काफ़ी होती है। ताकि शिथिल होती तबीयत का हाल भी हम लड़के माँ से ही पूछते हैं, माँ के ही सारे दवाइयों, परहेज, व्यायाम इत्यादि की सलाह भी देते हैं। पिता पुत्र शुरुआत से एक दूरी पे ही रहते हैं, वो दूरी अदब की, लिहाज की, संस्कार की या फिर जनरेशन गैप की। माना कि हम लोग बचपन में डरते हैं लेकिन बड़े होके उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। बेटे का मन करता है कि इन दूरियों को लांघता हुआ जाए और अपने पिता को गले से लगाकर कहे आई लव यू डैड। और हाँ दोस्तों, जिस तरह मदर्स डे पे माँ को विश करते हैं, उसी तरह फादर्स डे पे पिता को गले लगाकर विश करना हम सभी लड़कों का एक सपना जैसा ही है, मगर हम कर नहीं पाते क्योंकि माँ से जितना प्यार करते हैं पिता का उतना ही सम्मान है। और इस सम्मान की दीवार इतनी बड़ी हो चुकी है कि जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना तो जिसे मिटाया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि एक बार मूर्तिकार से किसी ने पूछा कि आप पत्थर से इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना देते हैं। मूर्तिकार ने कहा, सुंदरता वहाँ पहले से ही थी, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया। तो दोस्तों वही है, सुंदरता हम सब में है, बस वो एक्स्ट्रा पत्थर यानी चिंताएं हटाने की ज़रूरत है। और वही शायद हम लोगों के पापा करते हैं। एक बात और मैं कहूँगा कि अगर आप घर से बाहर रहते हो, कहीं दूर रहते हो, तो पिता से भी यार बात करो। मैं देखता हूँ कि कई फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे, अगर उनसे पूछो कि लास्ट टाइम पापा से बात कब करी थी तो ये बोलते हैं हो गए वही लगभग एक महीने दो महीने। मुझे पता है कि अगर बाप से बात करो तो ज़्यादा बात ही नहीं होती। हाँ ठीक है, खाना खा लिया, कैसे हो, अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक मिनट या दो मिनट मैक्स होते हैं बात करने के लिए, लेकिन उस एक या दो मिनट में जो खुशी मिलती है शायद वो मैं इस ऑडियो क्लिप के थ्रू जाहिर नहीं कर सकता कि तुम ठीक हो और सब ठीक है। तो समझ लो ऐसा लगता है कि नहीं, दुनिया की सारी खुशियाँ ही अपने पास हैं। कहते हैं ना, हम लड़के पिता को गले से नहीं लगाते, हम लड़के पिता को गले से नहीं लगाते।